नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सिंदूर खेला के साथ माँ दुर्गा मायके से हुई विदा, नमाखों ने कहा फिर अगले बरस जल्दी आना माँ। दुर्गा पूजा बंगालियों का सबसे अहम त्योहार होता है। विजयादशमी के दिन सुहागिन महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद आपस में सिंदूर खेला करती हैं। बंगला संस्कृति में ये शुभ का प्रतीक माना जाता है और नृत्य गायन कर माँ से समस्त समाज की बेहतरी की कामना करती हैं। आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास दुर्गाबाड़ी कालीबाड़ी की महिलाओं ने माँ की विदाई के समय एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ को नम आंखों से विदाई दी। बताते चलें कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिन की पूजा अर्चना के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को 10वें दिन धूमधाम से गाजे बाजे के साथ विसर्जित किया गया। मौके पर सिंदूर खेला की रस्म अदायगी में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खूब सिंदूर खेला का आनंद लिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए ये खेल बड़ा ही भावुक पल था, साथ ही माँ दुर्गा की विदाई के साथ महिलाओं की आंखें नम थी। कहते हैं कि माँ दुर्गा को सिंदूर लगाने का बड़ा महत्व है। सिंदूर खेला के साथ माँ दुर्गा मायके से विदा हो गई। महिलाओं ने नम आंखों से कहा फिर अगले बरस जल्दी आना माँ। भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री, मैं यहाँ पे सिंदूर खेलने अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ। ये परंपरा बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। आज के दिन माता की विदाई होती है तो विदाई में बेटी का खोइचा और मांग भरा जाता है, वो हम लोग शुभ मानते हैं। और माँ से ये दुआ मांगते हैं कि माँ अपने तो भरी हैं, सबको भरी पूरी रखे। तो इसके लिए हम लोग आज माँ को सिंदूर भी लगाते हैं और खुद भी आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगा के सुहाग का ये सुहाग बांटते हैं आपस में। अपने सब सुहागन के साथ ही आते हैं और सारी सुहागन मिलके ये परंपरा हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग को वो आत्मसंतुष्टि होती है, माता से आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो हिसाब से जैसे हम लोग अपनी स्वयं की बेटी को विदा करते हैं, अच्छे से भरी पूरी रहे, वो खुश रहे और साथ में माँ से खुशी मांगते हैं क्योंकि ये जगत जननी है, तो हम उनसे ये खुशी मांगते हैं कि आज हम लोगों का भी परिवार सुखी संपन्न रहे और अपना आशीर्वाद दे के माँ दोबारा अगले साल आए। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।